दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पूरे मामले की गहनता से जांच हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की 12 टीमें मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। इजराइल दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद जांच अब तेज हो गई है। जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसने पूरे एरिया की रेकी की है। वहीं बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में सवार प्रत्येक व्यक्ति की दोबारा जाँच की गयी, उसके बाद उड़ान भरने की अनुमति दी गयी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की 12 से ज्यादा टीमें जाँच में जुटी है। कई किलोमीटर के इलाके में संदिग्ध गाड़ियों की जाँच सीसीटीवी के जरिए की जा रही है। संदिग्ध धमाके की जगह पर दिल्ली पुलिस के जवान अभी भी तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी भी तैनात की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इजराइल एम्बेसी धमाके मामले में पुलिस ने दोनों संदिग्धों की पहचान की है। वहीं इस घटना के बाद स्पेशल सेल की टीम पूरे मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। टोटल टीवी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।